अगर पति बनना है ना तो मेरे पति की तरह बनो। प्यार की जीती जागती मिसाल है वो। मैं चाहे जितनी भी गलतियां क्यों ना करूं, वो हमेशा मुझे माफ करते हैं और हमेशा उनका प्यार और विश्वास मुझ पर कायम रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? आपकी सलाह और आपका इंसाफ सर आंखों पर दीदी। आपने हमारा घर टूटने से बचा लिया दीदी। ये हुई ना बात, ऐसे ही हंसते खेलते अपने घर जाओ और अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करो। जी दीदी। साहूजी प्रणाम। उस मुन्ना ने हमें सब बता दिया। कोई नहीं बेटा, अंत भला तो सब भला। सही कह रहे हैं ताऊजी आप। अम्मो ने तुम सबको यहाँ बुलाया है। बहुरिया की गोद भराई भी हो जाएगी और सुगंधा के पग फिरेगी। और सुन, वो बहुरिया की उस अम्मा को और उनके डैडी जी को भी जरूर लेकर आना। एक बार हमारा एक गांव देखेंगे ना, अपना शहर भूल जाएंगे। ठीक है, हम लोग आते हैं जानकर। प्रणाम ताऊजी। घर कदमी क्या कर रही है? ये क्या डाल रहे है? कपड़े क्यों डाल रहे अंदर यार? बैठने नहीं क्या? ससुराल जा रहे हैं इंदिरा की, खानदानी लोग हैं वो। और तू समझी है उनका यार, वो देंगे तेरे को कपड़े कच्चे से लेके कोट तक। तो ये धारीदार शर्टें जो 10 साल से पहन रहे ना, फेंक दे उन्हें। खाली बैग लेके जाएंगे वहां पे। खाली बैग? हाँ, और वहां से भर के लेके आएंगे। अच्छा आप सब लोग चलिए, बाहर गाड़ियां वेट कर रही हैं। अरे ले क्या, हम लोग भी आ रहे हैं, हम लोग कल आएंगे। वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, इनकी चेकअप करवाना है इनका। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ और इंदु बेटा एक काम करो, तुम भी सबके साथ ही चली जाओ। हाँ क्यों, हमारे साथ आ जाएगी? हाँ? ना नहीं, मैं आप लोगों के साथ जाऊंगी। बेटा जिद नहीं करते, हम लोग कल आ ही रहे हैं ना, बस एक दिन की बात है, चली जाओ। ठीक है। ये आप शाहरुख के पोज में क्यों खड़े? मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, कहे धड़कने तुझसे क्या कर रहे हैं ये? क्या बात क्या है? मुद्दतों के बाद आज फिर से हम दोनों अकेले हुए हैं श्रीमती जी। मौका भी है और फुर्सत भी, समझी? देखिए डॉक्टर के साथ आपका अपॉइंटमेंट और चेकअप वो सिर्फ एक बहाना था, दरअसल इस किराएदार को अपनी मकान मालकिन की बाहों में आना था। कोई है? देख क्यों? अरे भैया क्या, कौन जल्दी? और यार क्या बताऊं तुम्हें यार, आए चल चल मम्मी, बात क्या हो? चल यार। अरे बोलू मैं, आप लोग वापस आ गए? वो क्या कहूँ मैं, इंदु इंदु है ना, वो कहीं खो गई। कहाँ है मेरी बच्ची? अरे क्या बताएं, देखो गाड़ी में तो वो हमारे साथ थी, फिर जब ढाबे पर हम खाने के लिए उतरे तो वहां से अचानक वो गायब ही हो गई। सब जगह ढूंढा लेकिन वो मिली नहीं। शांत बच्चा लोग, शांत शांत बड़ी हिटलर। वो तो ये सब तेरी शैतानी थी, जान ले ली थी मेरी इसने। देख इंदु चुपचाप नीचे आ जा, आधा नीचे। मम्मी नो धमकी, पहले मेरी कुछ शर्तें मानो फिर ही मैं नीचे आऊंगी। कौन सी शर्त? पहले मेरी बात तो सुन लो, अगर मेरी शर्तें नहीं मानी तो मैं ऐसे कूद जाऊंगी। कूदो।